और SDM मोड भी काफ़ी चार्ज मेरे पास है जैसा कि आप लोग जानते हैं। और मैं यहाँ से मीडिया के ज़रिए आपसे बात करना चाहता हूँ और मैं आप तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया है कि लोग वैक्सीनेशन में कॉपरेट करने से मना कर रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि एक एक दो दिन से इसमें कैंप्स भी ऑर्गेनाइज हुए हैं, जहां आज धरमाड़ी में और धनौड़ में एक कैंप लगाया गया है और आने वाले दिनों में हम लोग और कैंप्स ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। मैंने आज ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर महोर को डायरेक्शन दे दी है कि हमें पूरा डेटा पंचायत वाइज मिल जाएगा शाम तक कि किस पंचायत में क्या स्टेटस है वैक्सीनेशन का, और उसके हिसाब से हम फ्यूचर की स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करेंगे। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि स्ट्रैटेजी सब एक तरफ है, जब तक पब्लिक का कोऑपरेशन वैक्सीनेशन में नहीं होगा तब तक वैक्सीनेशन पॉसिबल नहीं है। जो जो इश्यूज वैक्सीनेशन में लोगों के सामने आ रहे थे, मैं थोड़ा सा वो डिटेल में आपको बता दूं। पहला इशू सब कह रहे थे इसे रोज़ा जी मकरूह होता है, तो कहने की बात यह है कि रोज़ा मुकम्मल हो चुका है, रमज़ान का मुबारक महीना ख़त्म हो चुका है, ईद भी सेलिब्रेट हो चुकी है, अब वैसा कोई इशू नहीं है। तो अगर जिन जिन को ये लगता था इसे रोज़ा मकरूह होता है और कुछ और चीज़ होती है, तो उनको मैं ये बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा जो मैंने लोगों के माध्यम से सुना है या जो रूमर सुने हैं कि इसमें फर्टिलिटी का प्रॉब्लम आता है, कि जो बच्चे पैदा करने की सलाहियत होती है उसमें प्रॉब्लम आती है, ये मैं आपको बिल्कुल वसूख के साथ कहूँ कि जब पोलियो का वैक्सीन आया था, मलेरिया का वैक्सीन आया था, तब भी यही चीज़ें फैलाई गई थी और लोगों को यही कहा गया था, ये कहीं ना कहीं से उठ गई थी तब भी ये बात कि इसे अगर आप पोलियो का वैक्सीन लगाएंगे, मलेरिया का वैक्सीन लगाएंगे तो बच्चे पैदा करने की सलाहियत में कमी आती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जिस तरह पोलियो का मलेरिया का वैक्सीन बिल्कुल सेफ था, बिल्कुल जिस तरह डिप्थीरिया का, हेपेटाइटिस का, सबका वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, ये बिल्कुल कोरोना का वैक्सीन बिल्कुल उसी तरह है। अगर आपको याद होगा तो इससे पहले जब पोलियो के दो बूंद आपने भी बच्चों को पिलाए होंगे, जब पोलियो की ड्राइव्स ऑर्गेनाइज की थी, उससे आपके बच्चों को पोलियो नहीं हुआ। उसी तरह अगर आज 45 से अब जो लोग हैं वो वैक्सीन करवा लेते हैं तो वो कोविड से बचेंगे। तो मेहरबानी किसी भी रूमर पे ध्यान ना दें, जिनको भी लोगों किसी भी इंसान को कोई खदशा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, चार जोनल मेडिकल ब्लॉक्स हैं हमारे पास, धरमाड़ी में, अरनास में, मोहर में और चसाना में, चारों में डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, डॉक्टर रोहित, डॉक्टर मुजफ्फर, डॉक्टर वीरेंद्र और फिर बाकी भी कई डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, जैसे डॉक्टर अशरफ कोहली वगैरह जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है। तो ये सारे डॉक्टर्स जो बैठे हुए हैं, आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप इनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है या नहीं। सब आपको गलत गाइड कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स कभी गलत गाइड नहीं करेंगे, आपका SDM आपको कभी गलत गाइड नहीं करेगा। इसमें आप देखेंगे तो सारी गवर्नमेंट मशीनरी इसी का पार्ट बन गई है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि किस तरह अरनास पुलिस ने पिछले एक दो तीन दिन से कितनी मेहनत से अपनी फोर्स डिप्लॉय करके, मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ ताउन करके उन्होंने कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाने की कोशिश की है। तो कोई भी डिपार्टमेंट हो, पुलिस है, एडमिन है, मेडिकल है, फूड सप्लाईज है, कोई भी है, सभी अभी यही चाहते हैं कि आप वैक्सीनेशन लगवाएं और अपने आप को कोरोना से बचाएं। मैं फिर यही बात आप लोगों के सामने दोहराना चाहूँगा कि रमज़ान का रोज़ा अगर आपको लगता था मकरूह होता है, अब रमज़ान नहीं रहा, तो आप वैक्सीन लगवाएं। दूसरा, अगर आपको लगता है कि इससे फर्टिलिटी प्रॉब्लम आएगा, यानी बच्चे पैदा करने की सलाहियत में कोई कमी आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई दवाई नहीं होती जिससे बच्चे पैदा करने की सलाहियत में कमी आती है, ऐसा कोई ये चीज़ नहीं होती। ये बस आपकी एक रूमर होता है कि लोग फैला देते हैं इस चीज़ को और फिर फैला के ये आम लोगों तक पहुंच जाता है और फिर लोग इस पर भरोसा करने लगते हैं। व्हाट्सएप के फॉरवर्ड मैसेजेस पे यकीन ना करें, फेसबुक की नॉलेज पे यकीन ना करें, जब तक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो स्पेशलिस्ट हैं इस फील्ड के, वो कोई चीज़ ना बोले, वो कोई बात ना बताए, तब तक बराए मेहरबानी किसी भी चीज़ पे यकीन ना करें। जिस दिन हेल्थ का कोई डॉक्टर आपको कहे कि ये सेफ नहीं है, उस दिन आप वैक्सीन ना लगें। लेकिन आप किसी भी डॉक्टर से पूछें, दुनिया के किसी भी डॉक्टर से किसी भी कोने में वैक्सीन के मुतल्लिक पूछें, वो आपको बिल्कुल यही कहेंगे कि
कि वैक्सीन बिल्कुल 100% सेफ है, इससे क्रोजा नहीं टूटता, इससे फर्टिलिटी में प्रॉब्लम नहीं आता, इससे किसी भी चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को तो इससे बेसिक जो वैक्सीन लगा के बेसिक अगर फीवर भी हो जाए वो भी नहीं हुआ। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, मेडिकल एजुकेशन सबके साथ कोऑपरेट करें। कैंप्स लगे हुए हैं, आज भी पुलिस और मेडिकल एजुकेशन ने कैंप लगाया है धर्माड़ी में, एक अनोड में लगाया है, कल से और कैंप्स की स्ट्रैटेजी हम लोग बनाएंगे जो ऑर्गेनाइज होंगे आगे जाके। और उसके बाद बराए मेहरबानी जहाँ जहाँ कैंप लगे, जिस जिस दिन लगे, मैं सरपंच साहिबान, पंच साहिबान और सारे मौजूद लोगों से जो धर्माड़ी के और माहौर के हैं, जर्नलिस्ट हैं और पढ़े लिखे लोग जो हैं, सबसे गुजारिश करता हूँ कि एक इंफॉर्मेशन अवेयरनेस कैंपेन शुरू रखें और हर तरफ हर मौके पर जहाँ भी मौका मिले बराए मेहरबानी वैक्सीन लगवाएं। उसके साथ साथ टेस्टिंग जारी है, हम लोग आप लोगों ने देखा होगा कि पटिया में जो हालात हुए वो क्या कैसे हुए, आपने देखा होगा कि 100 से ज़ायद बंदा वहाँ पॉजिटिव आया एक शादी की वजह से। आपसे यही गुजारिश है कि SOPs फॉलो करें, डिस्टेंस रखें, अभी शादियाँ अवॉइड करें, 20 बंदा शादी में अलाउड है उतने ही जाएं। मैं ये बात भी अब आपको बता दूं कि अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो अब सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि इस बार तो चले हमने ज़्यादा शायद नहीं किया, लेकिन अगर दोबारा ऐसा हुआ तो हम रिटर्न में उसके खिलाफ एक्शन करवा देंगे जो भी बंदा आप SOPs वायलेशन करें। तो दोनों चीज़ें हैं, वैक्सीनेशन करवाएं और जब जहां टेस्टिंग का मौका मिले टेस्ट करवाएं। तीसरा, SOPs फॉलो करें, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजिंग। थैंक यू।